माननीय परम आदरणीय गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य श्री निश्चलानंद जी से एक संक्षिप्त वार्तालाप मैं सुमन भट्टाचार्य करने जा रहा हूँ। जो प्रश्न मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे भारत से पूछे थे, उन चयनित प्रश्नों में से कुछ प्रश्न जो है मैं परम पूजनीय शंकराचार्य जी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। महाराज जी, पूरे भारत से एक प्रश्न जो सबसे प्रमुख रूप से उभर के आया है कि सनातन के लिए आपका क्या संदेश है? सनातन का अर्थ होता है सदा रहने वाला। वेदादि शास्त्र सम्मत जो परमात्मा हैं वे सनातन हैं। वेदादि शास्त्र भी सनातन हैं, जीव भी सनातन है। सनातन जीव के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला वेद और वेदादि शास्त्र सम्मत शास्त्र हैं। जीव का लक्ष्य जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति या प्राप्ति है, जो कि सनातन है। जीव की इच्छा का वास्तविक विषय मृत्यु विहीन जीवन है। ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया भी न पहुँच सके, वह स्वयं सदरूप नित्य अमृत स्वरूप होकर रह सके। जीव की चाह का दूसरा विषय है ऐसा ज्ञान जहाँ अज्ञान की पहुँच न हो, जड़ता की पहुँच न हो। जीव की इच्छा का विषय तीसरा है वह आनंद जहाँ दैहिक दैविक भौतिक विविध तापों में किसी ताप की गति या पहुँच न हो। प्रामाणिक रीति से विचार करने पर जीव की चाह का जो सचमुच में विषय सच्चिदानंद है, उसी को वेदादि शास्त्रों ने सर्वेश्वर परमात्मा कहा है। सनातन जीव जब अपने आत्मस्वरूप भगवान का विज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसमें मन को सन्निहित कर लेता है, तब उसका परम कल्याण होता है। उस सनातन जीव के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला जो सनातन सिद्धांत है, उसी को सनातन धर्म भी कहते हैं। महाराज जी, दूसरा प्रश्न शंकराचार्यों की अस्तित्व को लेकर खड़ा हो रहा है कि इतने सारे जो शंकराचार्य भारत भूमि पर अचानक पैदा हो गए हैं, क्या ये वास्तव में शंकराचार्य हैं कि मूल शंकराचार्य, इस इनके बीच का जो अंतर है वो हिंदू समाज सनातन समाज आपके मुख से सुनना चाह रहा है। विधर्मियों और विदेशियों के शासन काल में भी कृत्रिम शंकराचार्य नहीं थे, अंग्रेज इत्यादि हिंदुओं के हिमायती नहीं थे, लेकिन इतने बुद्धिमान थे कि वो इस बात को जानते थे कि यदि हमारे यहाँ पीर पैगंबर पोप पादरी ये सब नकली होने लगे, अराजक तत्व इन नामों से घूमने लगे, तो हमारा अस्तित्व नहीं बचेगा, न आदर्श बचेगा। लेकिन स्वतंत्र भारत में जब शासन तंत्र की ओर से रामालय ट्रस्ट बनवाया गया, जिसका लक्ष्य श्री अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर ही नहीं कुछ और भी बनवाना था, मैंने दृढ़तापूर्वक विवेकपूर्वक लोभ भय कोरी भावुकता अविवेक के वशीभूत हुए बिना हस्ताक्षर नहीं किया। उसकी प्रतिक्रिया में शासन तंत्र ने और उनके अनुगत तथा कथित आचार्यों ने मेरे विरोध में विश्व स्तर पर एक अराजक तत्व को आचार्य के रूप में ख्यापित किया। उसके बाद पूरे देश में अराजक तत्व दिशाहीन धनमान और के रसिक जितने थे उन सबको शंकराचार्य बनकर घूमने का अवसर मिल गया। वस्तु स्थिति यह है कि यह विदेशी षड्यंत्र है ताकि हिंदुओं को कोई सार्वभौम पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक आचार्य न मिल सके। डंके की चोर से मैं कह सकता हूँ कि भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व अवतीर्ण हुए थे। उस समय विश्व में सार्वभौम धर्मगुरु के रूप में मान्य शंकराचार्य ही थे। यह भी जानने की आवश्यकता है कि शंकराचार्य प्रथम नहीं दसवें गुरु थे। प्रथम गुरु के रूप में हम लोग श्रीमन नारायण को स्वीकार करते हैं, जानते हैं, जो कि हमारे आराध्य इष्ट देव भी हैं। भगवत पाद शंकराचार्य के पश्चात मेरा 145वां स्थान है धर्मगुरु के रूप में।
श्रीमन नारायण से मुझ शंकराचार्य तक की अवधि इस सृष्टि काल में 1,97,29,49,000 वर्ष व्यतीत होता है और 49,000 वर्ष के बाद भी 116 वर्ष अतिरिक्त व्यतीत होता है। इस परंपरा को उच्छिन्न करने दिशाहीन करने का विश्व स्तर पर षड्यंत्र है। जब शंकराचार्य विश्व के या हिंदुओं के या भारत नेपाल इत्यादि के सार्वभौम धर्मगुरु नहीं रह जाएंगे तो आध्यात्मिक मार्गदर्शन सुलभ न होने के कारण, धर्म का वास्तविक विज्ञान सुलभ न होने के कारण जो सनातन जगत है या हिंदू जनता है अपने आप पथभ्रष्ट हो जाएगी, अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा में समर्थ नहीं होगी। यह विश्व स्तर का षड्यंत्र है जो केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। राजनेताओं को समझ लेना चाहिए कि राजगुरु की आवश्यकता होती है, धर्माचार्य की आवश्यकता होती है। केवल राजनेता दिशाहीनता का परिचय तो दे सकते हैं, स्वस्थ क्रांति का के उद्भाषक नहीं हो सकते हैं। हिरण्यकशिपु के शासनकाल में देवर्षि नारद ने स्वस्थ क्रांति को अभिव्यक्त किया, इसी प्रकार वेन के शासनकाल में भृगुजी ने स्वस्थ क्रांति को जन्म दिया, अब वांछित सम्राट देश को दिया। इसी प्रकार वशिष्ठ जी ने रावण के शासनकाल में स्वस्थ क्रांति को उद्भाषित किया, इसी प्रकार व्यास जी ने कंस दुर्योधन के शासनकाल में स्वस्थ क्रांति को उद्भाषित किया और विश्व को अपेक्षित सम्राट देने का अभियान चलाया। भगवत पाल शंकराचार्य महाराज ने बौद्धों के शासनकाल में स्वस्थ क्रांति को उद्भाषित किया, इसी प्रकार चाणक्य और समर्थ रामदास जी ने भी स्वस्थ क्रांति को उद्भाषित किया है। सार यह निकला, प्रशस्त धर्माचार्य ही स्वस्थ क्रांति को जन्म दे सकते हैं और वे ही विश्व को स्वस्थ मार्गदर्शन दे सकते हैं। उनसे विहीन विश्व अराजकता के कारण विप्लवपूर्ण दशा को प्राप्त हुए बिना नहीं रह सकता। अतः मैं संकेत करना चाहता हूँ, मुझ पर अनुग्रह करके नहीं बल्कि अपने ऊपर, राष्ट्र पर, पूरे विश्व पर अनुग्रह करके भारत के जो राजनेता हैं विदेशी षड्यंत्रकारियों का यंत्र बनकर काम न करें और मान्य आचार पीठ के साथ कोई अवांछित व्यवहार न करें। एक विचित्र तथ्य है, सोनिया जी आडवाणी जी के दामाद बनकर अराजक तत्व घूम रहे थे जो कि सचमुच में उनके दामाद नहीं थे। उनको जेल के सिकंजे में बंद किया गया और राजनेताओं से बहुत ऊंचा पद जो शंकराचार्य का होता है, वे शंकराचार्य भी भारत में अराजक तत्व ख्यापित किए जाते हैं। यह देश का दुर्भाग्य है, इस कलंक को दूर करने की आवश्यकता है। महाराज जी, हिंदू समाज का, सनातन समाज का पहला कदम आज के परिवेश में क्या होना चाहिए, अगर थोड़े में संदेश आपसे हम पूरा हिंदू समाज लेना चाहे? चयन, प्रशिक्षण और नियोजन, जिनके जीवन में उत्तम संस्कार हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, सबके हित की भावना से भावित हैं, हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श की रक्षा की वेदना है, ऐसे महान भावों का चयन हो, साथ ही साथ उचित प्रशिक्षण हो और मोर्चे पर उनका नियोजन हो। सद्भावपूर्ण संवाद के माध्यम से इस प्रक्रिया को क्रियान्वित करने पर हिंदुओं का ही नहीं पूरे विश्व का हित सुनिश्चित है। हिंदू युवा आपसे कैसे जुड़े? यहाँ जुड़ने के लिए हमेशा दरवाजा खुला हुआ है, वो आवें और नीति तथा अध्यात्म का प्रशिक्षण प्राप्त करके चलते फिरते आत्मबम के रूप में प्रहलाद के समान स्वयं को ख्यापित करें, अपने जीवन के लिए उपयोगी हों, राष्ट्र के लिए उपयोगी हों, स्थावर जंगम प्राणियों के लिए उपयोगी हों, ऐसी मेरी भावना है। युवकों का आवाहन है, वो आवें, सुशीलता सक्रियता का परिचय दें, सूझबूझ का परिचय दें, नीति और अध्यात्म का प्रशिक्षण लेकर वे अपने जीवन को सार्थक करें, विश्व के मंगलमय स्वरूप को उद्भाषित करें, यह हमारी भावना है। महाराज जी, देश के अंदर जो देश विरोधी तत्व हैं बार बार जाति का प्रश्न उठाते हैं और जाति को अवमानना का विषय बना रखे हैं, इसमें आप सनातन के सबसे सर्वोपरि धर्मगुरु हैं, आपकी क्या वाणी है इस पर? शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा की विधा सबको सदा संतुलित रूप में प्राप्त हो, इसकी अमोघ दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक विधा का नाम
सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था है। यह रागव द्वेष मूलक नहीं है। दार्शनिक धरातल पर, वैज्ञानिक धरातल पर और व्यावहारिक धरातल पर परम उत्कृष्ट है। हमारे आपके जीवन में भी सिर का हिस्सा है, भूदंड का हिस्सा है, कति प्रदेश का हिस्सा है, उरु का हिस्सा है और पांव का हिस्सा है, मलमूत्र के त्याग का भी हिस्सा है। सबका विभाग बटा हुआ है, लेकिन सबके सामंजस्य से हमारा शरीर चलता है। अगर कोई वर्ण व्यवस्था जातिवाद को सनातन विधा से नहीं मानता है तो भी उसे वैकल्पिक जाति का निर्माण करना ही पड़ता है। लेकिन कृत्रिम ढंग से वैकल्पिक ब्राह्मण बनाने पर या क्षत्रिय बनाने पर या वैश्य बनाने पर या शूद्र बनाने पर या सफाई कर्मी बनाने पर प्रशिक्षण के नाम पर समय का, संपत्ति का दुरुपयोग होता है। फिर भी परंपरा प्राप्त संस्कार से उसका जीवन युक्त नहीं रह पाता। मैं केवल एक सांकेतिक ढंग से उदाहरण देता हूँ। ये भूदंड हैं, किसी विश्वविद्यालय में इनको प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इन भूदंडों में परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार है, जिसके बल पर ये शरीर पर किसी प्रकार के वार की आशंका होती है तो टूटने फूटने की चिंता किए बिना अपने को आगे कर देते हैं। गाढ़ी नींद में बुद्धिपूर्वक प्रयत्न नहीं हो सकता, लेकिन मच्छर जब काटने आते हैं तभी यह परंपरा प्राप्त संस्कार संवेद होने के कारण वहां पहुंचकर मच्छर को भगाने में या मारने में समर्थ हो जाते हैं। तो हमने संकेत किया कि मनोवैज्ञानिक धरातल पर सनातन परंपरा प्राप्त जाति का बहुत महत्व है। जाति का उच्छेद सनातन परंपरा का ही नहीं, मानवता का उच्छेद है। इतना मैं संकेत और कर देना चाहता हूँ, जो मानव धर्म के पक्षधर हैं अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह, इनको मानवोचित शील के रूप में, पंचशील के रूप में स्वीकार करते हैं, उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन यह है कि सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था की घाटी पार किए बिना किसी के जीवन में पूर्ण अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य